नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं ये मेट्रो वाल्व के बारे में सिर्फ बताया था और आज के इस वीडियो में मैं इसकी फिटिंग दिखाऊंगा। टॉयलेट के बाथरूम के अंदर इसकी फिटिंग कैसे करते हैं और क्या मेजरमेंट होता है लगाने का इसका, तो ये इस सब के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे एक भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो बाथरूम और ये है वो एरिया जहाँ पे मेट्रो वाल्व लगाऊंगा मैं। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं खांचा बनाया हूँ और यहाँ पे आएगा इंडियन सादा सीट जिसका पॉइंट है ये। यहाँ पे ट्रैप लगेगा, अभी लगा नहीं है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए वाल हंग कमोड आएगा, उसका पॉइंट है ये। और ये जो है वाल माउंटिंग फ्लश टैंक है जो फिक्स हुआ है, ठीक है। तो इसी के लेवल में यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। और अगर आप चाहें तो साइड में भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे क्लाइंट का डिमांड होता है वो अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं दाएं बाएं। तो लेकिन यहाँ पे जो है वाल माउंटिंग वाला आ रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसके जस्ट बगल में, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। और ये है इसका मेट्रो वाल, तो इसमें लगेगा इसका MTE। तो इसमें टेपलान लगा लेता हूँ और इसको कम से कम 35 राउंड तक लपेटना है इसमें। अगर कमी करेंगे टेपलान में तो फेंस लीकेज जा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है फेंस यहाँ पे टेपलान लगा लेता हूँ मैं। टेपलान लगाने के बाद ये लगाऊंगा मैं। तो इसमें टेपलान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वाशर दिया हुआ है, तो हल्का सा लगाना है इसमें, थोड़ा सा रहने दो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है। तो इसके साथ में यहाँ पे देखिए वाशर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टेपलान की कोई ज़रूरत नहीं है, वाशर इस तरह से लगेगा ये। पूरा टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है, लीकेज आएगा। अभी फ्रेंड्स ये पूरा टाइट हो गया है, पूरा फुल टाइट हो गया है। पूरा जितना भी टाइट करना है पूरा फुल कर लीजिए, नहीं तो ये वाल्व में फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स और दोबारा फिर टाइट नहीं हो पाएगा। और अब जो है यहाँ पे FTA लगेगा, तो यहाँ पे टेप्लान लगाना है, पूरा ज़्यादा टेप्लान लगाना है ताकि लीकेज ना आए फ्रेंड्स। हो गया, लगाओ, बस बस बस। जबरदस्ती नहीं टाइट करना, नहीं तो फट जाएगा ये। और ये FTA महंगा है, ये 1/4 इंच का है। तो अभी देखिए इसमें FTA कनेक्ट हो चुका है और MTA लगाता हूँ मैं इसमें। तो अभी फ्रेंड्स ये पूरा टाइट हो चुका है, MTA भी लग चुका है, सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। और ये इसका सीमेंट गार्ड है, ये कवर लगा के रखना है और ताकि जो है इसके ऊपर कंक्रीट या मसाला चिपके ना। तो अभी ये एकदम रेडी हो गया है, चलिए फिटिंग करता हूँ मैं इसको। इस तरह से मैं फिक्स करूँगा और यहाँ पे इस तरह से लगाना है ताकि प्लास्टर और टाइल्स के बाद यहाँ तक आना चाहिए। और अगर ज़्यादा बाहर आएगा तो इसका प्लेट जो है फेंस वो फिक्स नहीं होगा,
लट निकल जाएगा, बार बार निकलेगा बाहर, ठीक है। और अगर ज़्यादा अंदर भी हो, अगर ज़्यादा बाहर रहेगा तो प्लेट भी ज़्यादा अंदर हो जाएगा, दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये जो मार्किंग दिखाई दे रहा है टाइल्स के बाद जो है यहाँ पे आना चाहिए, ये लास्ट है, ये बाहरी वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखिए ये बाहरी वाला। तो अभी ये यहाँ से एल्बो में कनेक्ट कर दूंगा मैं, और नीचे यहाँ पे अभी ला के रोकूंगा, ये नीचे ला के अभी फिर यहाँ पे रोकूंगा मैं, क्योंकि बाकी जब इंजन सादा सीट फिक्स होगा उस टाइम एल्बो को मैं इसमें कनेक्ट करूंगा सीट में, ठीक है। और सीट जो है फ्रेंड्स अभी नहीं फिक्स होगा क्योंकि अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर होने के बाद जो है सीट फिक्स होगा, उस टाइम ये पाइप उसमें सीट में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों ये मेट्रो वाल पूरा लग चुका है इस तरह से, और यहाँ मैं नीचे ले जाके अभी रोका हूँ, जब यहाँ पे सीट लगेगा उस टाइम एल्बो से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो मेट्रो वाल वाला वीडियो पूरा हुआ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।